सर जैसे ही हम लोग रघुभाई को मारने वाले थे कि अचानक वहां राजवीर पहुंच गया और उसने तुम लोगों की बैंड बजा दी। शर्म करो यार, शर्म करो। ऐसे किस बात के मिलते तुम लोगों को मार खाने के? इडियट्स, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ मैं क्या करूं मैं। अरे आओ प्रधान आओ, तुमको देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास भी कोई बुरी खबर होगी। चलो वो भी सुना दो, तुम सुनाओ सुनाओ। राहुल को अस्पताल में लेके जा रहे हैं, शायद वो होश में आने वाला है। जाओ ना। जाओ। अरे जाओ ना। जी। ये कहानी अधूरी छोड़ गया ना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, साले को वहीं टपका देना चाहिए था। अगर वो होश में आ गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या करें? तुम एक काम करो, तुम अस्पताल में जाओ और उस पर नजर रखो, उसके मुंह खुलने से पहले उसकी सांसें बंद कर लिया, उस पर नजर रखो और क्या, खबर देते रहना मेरे को। मैं रहता हूं। जो हमारे लिए कर रही हो वो, come on नैना। आंटी डोंट वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्यों परेशान हो भाई साहब? राहुल कैसा है? क्या कहा डॉक्टर ने? पहले से इंप्रूवमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। राजवीर कहाँ है? उसे बताया ना? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। यही ना कि पूरी जिंदगी गलत इंसान के पीछे खर्च दी। ऑनेस्टली मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, तुम गलत कर रहे थे, तुम्हारे साथ गलत ही होना था, पर भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया, तुम्हारा बदला भी हो जाएगा और पहली बार तुम्हारे हाथों एक सही काम भी हो जाएगा। सोच लो। मैं तैयार हूं। Ready? मैं रघु यादव पिछले 15 बरस से धनराज रेस्तोगी के साथ काम कर रहा हूं। रेस्तोगी ने अपने धंधे की शुरुआत गुड़गांव के एक जमीन की दलाली से शुरू की थी। बंदूक के दम पर उसने लोगों को डराया धमकाया। इनके अलावा
शिवाजी नगर के प्लान में बैरिस्टर दीवान, जस्टिस डोगरा और एडवोकेट प्रधान भी शामिल हैं। बस्ती वालों से एग्रीमेंट साइन कराने का काम भी प्रधान ने ही करवाया था। रघु, तू प्रधान के बारे में सच बोल रहा है? राजवीर, मुझे भला झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वही एग्रीमेंट बनाने के लिए प्रधान ने तुम्हारे भाई को वहां भेजा था। और सच तो यह है कि प्रधान का ही शुरू किया हुआ है ये सारा खेल। हाँ राजवीर, एक अच्छी खबर है। राहुल इज रिस्पॉन्डिंग। तू जल्दी आ जा हॉस्पिटल में। जी। आप लोग नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। नहीं, लीजिए ना। अब तो हम कुछ दिनों तक अपने शिवाजी नगर वाले घर में भी नहीं जा पाएंगे। आंटी सोचना भी मत, वहां बहुत खतरा है। सॉरी आरती, रस्तोगी की बातों में आकर मैंने पता कर लिया। इट्स ओके। तुम्हें नहीं पता था कि रस्तोगी तुमसे क्या करवाना चाहता है। इट्स ओके नैना, इट्स नॉट योर फॉल्ट। बेटा, नैना नहीं चाहती थी ये, तो मैंने ही इसे। माँ, आंटी जो हुआ उसे भूल जाइए, आप लोग यहाँ आराम से रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। इसी बहाने मुझे आपके हाथ का टेस्टी खाना खाने का चांस तो मिलेगा। हाँ बेटा। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। पापा, वो आरती, वो एकदम, ये तो ईश्वर की मेहर है। वो सही सलामत आ गई है। ये मत समझना कि जो तुम कर रहे हो वो सही है। पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। I'm sorry. Are you? Generally, तुम इस बात को मानते हो जो तुम कर रहे हो गलत है? तो फिर क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? करो जो कुछ तुम्हें करना है। आता से बात की थी, उसने मुझे कहा कि उसे उन लोगों के बीच जरा भी डर नहीं लगा क्योंकि उसे तुम पर भरोसा था कि तू उसे कुछ नहीं होने देगा। मैं राहुल को मिलकर आता हूं। वो अभी जाने नहीं देंगे। प्रधान अंकल कहाँ है? डॉक्टर, आपको क्या लगता है राहुल को होश आएगा या नहीं आएगा? देखिए, ब्लड प्रेशर भी काफी लो हो गया है और पल्सेस भी काफी धीमी चल रही हैं। अगले 24 घंटे काफी क्रूशियल है।
एक काम कीजिए, आप ये दवाइयां ले आइए। ओके डॉक्टर, मैं ले आता हूं। थैंक्स, वेलकम। थैंक्स। राजवीर, मैं जानता हूं कि तुम्हें शक है कि मैं रस्तोगी के लिए काम करता हूं। शक? शक तो मुझे कब से था, अब तो रघु ने मुझे खुद बता दिया। अगर पापा को ये पता चला कि उनका बेस्ट फ्रेंड, उन्हें पता है, मैंने सब बता दिया उन्हें। देखो राजवीर, मैं रस्तोगी के लिए काम करता हूं, उसके साथ नहीं। रस्तोगी के लिए काम करते हो ना? ये लीजिए, ये जाके रस्तोगी को दे देना। एक पेन ड्राइव करके उसने मेरे भाई को तड़पाया ना, अब उसकी बारी है। शिवाजी नगर के प्लान में बैरिस्टर दीवान जस्टिस डोंगरा, अरे कितना बोलोगे, और एडवोकेट प्रधान भी शामिल है। अगर ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हेलो, वफादार जब बागी हो जाता है तो साथ बर्बादी लाता है। रघु तेरे तो किसी काम का नहीं था, पर मेरे तो बहुत काम का था। क्या करेगा तू, क्या करेगा तू? मेरा वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करेगा, मुझे बदनाम करेगा, जेल भिजवाएगा, क्या करेगा तू? चाहता तो मैं यही हूं कि तेरे साथ ये सब कुछ हो, लेकिन तेरी बर्बादी से ज्यादा जरूरी है शिवाजी नगर के लोगों को बसाना। अब एक काम कर, तेरे साथ एडवोकेट तो खड़ा ही है, उसको बोल के पेपर तैयार करेगा जिसमें होंगे तुम्हारे सिग्नेचर्स। पेपर में लिखा होगा कि शिवाजी नगर की जमीन पे बनेंगे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन वो सिर्फ बस्ती वालों के लिए होगा। और एक और बात, रस्तोगी कंस्ट्रक्शंस हर एक फैमिली को 25 लाख का कॉम्पेंसेशन भी देगी। ये सारे पेपर्स बनवाओ, इसमें साइन करो और प्रधान के हाथों मेरे पिताजी के पैसे पहुंच जाने चाहिए, वरना मीडिया से लेकर मुख्यमंत्री तक सबके पास मैं वीडियो पहुंचा दूंगा, समझे? ये करना चाहता हूं मैं। राजवीर था, क्या कह रहा था वो? कह रहा था, उसने कहा कि तुमको बाहर से कोई बुला रहा है क्या? देखो ना जाके। सब आप जीत गए,
इस बैग में जो पेपर्स हैं उस पर रस्तोगी ने साइन किया है। शिवाजी नगर को बचाने का उसने रिटर्न प्रॉमिस किया है। बस्ती वालों को साथ में 25 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन मिलेगा। रस्तोगी ने शिवाजी नगर के पेपर साइन किए? हम खुद जाएंगे बस्ती वालों को पेपर्स देने। मिस्टर शेरगिल, आपको डॉक्टर रॉय बुला रहे हैं। एक मिनट, ये मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। जी राजवीर, तुम्हारे पापा के पास पहुंच गया हूं और हमारे हाथ में पेपर्स हैं। पीछे खाई, अब ना मुझे तेरी जरूरत है और ना ही रस्तोगी को। मौत तेरी तय है, बस तेरे लिए ये कर सकता हूं कि तू अपनी मौत खुद चुने। हाय रे मेरे रघु जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या? नहीं नहीं राजवीर, ऐसे रघु को मार नहीं सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। राजवीर नहीं मारेगा, यही तो फर्क है उसमें और मुझ में। लेकिन फिर सोचता हूँ कि रघु जी जी के भी क्या करते हैं। वैसे कुछ बोल नहीं हुआ, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन रघु जी के बयान के सारे कॉपीज हमारे पास में, और राजवीर के पास सिर्फ वो एग्रीमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। वाओ, दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन, अति उत्तम। अब मैं ऐसा वार करूंगा ना कि राजवीर को तो सम्मान तक का मौका नहीं। अब ये खेल खत्म, चेक एंड मेट।